हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछली कहानी भी जरूर सुनी होगी, जिसमें एंडरसन ने उस बाघ को मारकर अपना बदला पूरा किया था जिसने उनके साथी शिकारी को मार डाला था। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो आपसे निवेदन है कि उस कहानी को जरूर सुनें। दोस्तों, आज जो कहानी आप लोगों के बीच मैं लेकर आया हूँ, ये कहानी है एक बाघ और शियार की, जिन्होंने आपस में अपने चुने हुए शिकार को ख़त्म करने के लिए एक समझौता कर लिया था। वो समझौता क्या था वो जानेंगे आप इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटका के शिवमोगा जिले से। तब कर्नाटक राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय इसे मैसूर नाम से जाना जाता था। आधुनिक समय में ये जिला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये जिले का मुख्यालय भी है और तुंगा नदी के किनारे मलेनाडु क्षेत्र में बसा हुआ है। इसे पश्चिमी घाट का द्वार भी कहा जाता है। शिवमोगा समुद्र तल से 570 मीटर की ऊंचाई पर है और चारों ओर हरे भरे धान के क्षेत्र और नारियल के पेड़ों से भरा पड़ा है। शिवमोगा जिले में एक जगह है अद्रावती। ये जगह आज के समय में स्टील उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ से कुछ मील दूर एक जगह है जोलडाहल। जोलडाहल एक बहुत ही छोटी जगह है जिसमें कुछ ही घर है। इसी जगह पर एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बना हुआ था जिसमें कभी कभार अंग्रेजी अफसर आकर रुका करते थे। इसी फॉरेस्ट बंगले का एक केयर टेकर था जिसका नाम था अनंता स्वामी। एंडरसन बेंगलोर में ही रहते थे और कर्नाटका के लगभग हर जिले में उनका आना जाना लगा रहता था। अपने काम से फुर्सत निकालकर वो जंगलों में घूमने आया जाया करते थे। इस जगह पर भी वो कई बार आ चुके थे। पिछली बार वो यहाँ पर 7 साल पहले आए थे। अनंता स्वामी की एक छोटी लड़की थी जो उस समय 10 या 12 साल की रही होगी। एंडरसन जब भी वहाँ जाते तो वो इनके इर्द गिर्द ही खेलने लगती, कभी उनकी राइफल से तो कभी उनकी कार को ही अपना घर बना लेती। एंडरसन के यहाँ एक बार उनके कोई परिचित आए और बातों बातों में उन्होंने एंडरसन को बताया कि उस फॉरेस्ट बंगले के आसपास एक मैन ईटर टाइगर एक्टिव हो गया है जिसने काफ़ी लोगों को मार डाला है। उसमें से एक विक्टिम अनंता स्वामी की लड़की भी थी जिसे एंडरसन ने लगभग 7 साल पहले देखा था। ये जानकर एंडरसन को काफ़ी अफसोस हुआ। उनकी आँखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा आ रहा था। अब वो लड़की 18 साल की हो गई थी और पास के सोते से पानी लेने के लिए गई थी, तभी टाइगर ने उसको मार डाला था। लड़की की चीख सुनकर उसका बाप भी उस तरफ दौड़ा। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि उसकी बेटी पर टाइगर ने हमला कर दिया। वो जल्दी से पलटकर बंगले पर गए और वहाँ से अपनी कुल्हाड़ी लेकर टाइगर के पीछे दौड़ा। टाइगर उस लड़की को अपने मुँह में दबाकर दौड़ते जा रहा था। वो लड़की बेबस आवाज में अपने बाप को पुकार रही थी। धीरे धीरे उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई और टाइगर उसे लेकर घने जंगल में भाग गया। बेचारा बाप भी कहाँ तक उनका पीछा करता। उसके आंखों के सामने उसकी बेटी की हत्या हो गई और वो कुछ नहीं कर सका। ऐसी एक दूसरी घटना जोलडाहल गांव में घटी। उस गाँव का एक लड़का एक दिन पासी की नदी में मछली मारने गया था। देर शाम तक जब वो वापस अपने घर नहीं लौटा, तब उसका बाप और उसका बड़ा भाई उसकी खोज में नदी के पास गए। उन लोगों को वहाँ पर एक टोकरी मिली जिसमें मछलियाँ भरी हुई थी और पास में मछली मारने की बंसी भी पड़ी हुई थी, लेकिन उस लड़के का वहाँ कुछ अता पता नहीं था। काफ़ी देर तक खोजने के बाद उनको ज़मीन पर खून की कुछ बूंदें और टाइगर के पंजों के निशान दिखाई दिए। वो समझ गए कि उस लड़के को उस टाइगर ने मार डाला है। थक हार के वो सभी वापस आ गए। अंतिम संस्कार के लिए भी उस लड़के के अवशेष उन लोगों को नहीं मिले। इसी तरह की एक और घटना उसी गांव में घटी। उसी गांव में ना जाने कहां से एक दिमागी रूप से कमज़ोर आदमी आ पहुंचा। गांव वाले उसको खाने के लिए कभी कभार खाना दे दिया करते। वो कहाँ से आया था ये किसी को नहीं पता था और ना ही उसने कभी किसी को बताया कि वो कहाँ से आया है। एक दिन वो अचानक से गायब हो गया।
उसके गायब होने पर गांव वालों ने सोचा शायद वो कहीं और चला गया हो। कुछ दिन बाद उसी गांव के कुछ लोग बाजार से वापस लौट रहे थे, तभी उनको रास्ते के बीचों बीच एक आदमी का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। पास आकर जब उनमें से एक आदमी ने सिर को पलटा तो देखा ये तो उसी पागल आदमी का सिर था जो कुछ दिन पहले यहाँ से गायब हो गया था। एंडरसन को जब इन तीनों घटनाओं के बारे में पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि वो इस टाइगर को मारने के लिए वहाँ जरूर जाएंगे। एक दिन सुबह तड़के वो अपनी कार से उस जगह के लिए निकल पड़े। मोटर मार्ग केवल जोलडाहल तक ही जाता था, इसके आगे उन्हें पैदल ही जाना था। ऊपर खड़ी चढ़ाई में 10 मील चलकर वो फॉरेस्ट बंगले तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां के केयर टेकर अनंता स्वामी को सांत्वना दी और उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि जिस टाइगर ने उसकी बेटी को मार डाला है वो उसको जरूर मारेंगे। जोलडाहल से उस फॉरेस्ट बंगले की दूरी 10 मील थी। फॉरेस्ट बंगला जंगल के बीचों बीच बना था जिसके आसपास एक भी घर नहीं थे। ऐसे में संभावना यही थी कि टाइगर बंगले के पास न लौटे, इसलिए एंडरसन फिर से जोलडाहल के लिए निकल पड़े। हालांकि अनंता स्वामी ने उनके यहीं पर रुकने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन एंडरसन ने जल्द ही यहाँ वापस लौटने का वादा किया और वहाँ से निकल गए। घने जंगलों से होते हुए वो फिर से जोलडाहल पहुँचे। सुबह से इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के कारण उनको जल्दी ही नींद भी आ गई। तभी एंडरसन को आधी रात में टाइगर के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो बरामदे में आकर खड़े हो गए और अंदाज़ा लगाने लगे कि टाइगर कहाँ से बोल रहा है। जिस रास्ते से वो फॉरेस्ट बंगले से जोलडाहल तक वापस पहुँचे थे उसी रास्ते में से किसी जगह से वो टाइगर बोल रहा था। रात में वहाँ निकलना उचित नहीं था, इसलिए एंडरसन ने निश्चय किया कि वो सुबह तड़के ही उस जगह के लिए निकलेंगे जहाँ उनका अनुमान था कि वहाँ से टाइगर अभी बोल रहा है। सुबह उठते ही वो अपनी राइफल के साथ उसी रास्ते से बंगले की तरफ चल दी। लगभग 1 घंटा चलने के बाद उनको सड़क पर टाइगर के पंजों के निशान दिखाई दिए। पंजों के निशान बंगले की तरफ जा रहे थे और आगे बढ़ने पर वो निशान बंगले तक उनको देखने को मिले। एंडरसन जब बंगले पर पहुंचे तब अनंता स्वामी उनको देखकर काफ़ी चकित हो गया, क्योंकि एंडरसन काफ़ी सवेरे ही वहां पर पहुंच गए थे। एंडरसन ने अनंता स्वामी से पूछा कि उसने पिछली रात क्या किसी टाइगर को यहां आसपास बोलते हुए सुना है। तब अनंता स्वामी ने उन्हें बताया कि उसे टाइगर की आवाज़ तो नहीं सुनाई दी, लेकिन रात में हिरनों की वार्निंग कॉल उसे ज़रूर सुनाई दी थी। टाइगर बंगले के आसपास ही कहीं छुपा हुआ था और एंडरसन ने इसका अंदाज़ा लगा लिया था, इसलिए उन्होंने रात में उसी बंगले के आसपास रुकने का निश्चय किया। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां पर रुके। उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार उन्होंने एक आदमी का पुतला बनाया जिसे उन्होंने उस पानी के सोते के पास खड़ा कर दिया जहाँ से अनंता स्वामी की लड़की को टाइगर ने मार डाला था। उसके पास ही में उन्होंने एक जगह चुनी। उसके लिए उन्होंने अनंता स्वामी से बंगले पर पड़ी चारपाइयों को उठवाया और उन चारपाइयों को आपस में बांधकर दो लोगों के छुपने लायक एक जगह बना दी। उन्होंने अनंता स्वामी को समझा दिया कि वो लोग पूरी रात इसी जगह पर छुपे रहेंगे और अगर बाघ आए तो अनंता स्वामी किसी भी प्रकार की आवाज़ ना करें, ना ही ज़्यादा हिले डुले। उस क्षेत्र में एक कहानी बड़ी प्रचलित थी, एक शेर और एक सियार की दोस्ती की कहानी, जिसमें सियार का काम होता था कि वो जंगल में किसी भी शिकार को चुन लेने के बाद आवाज़ निकालने लगता, जैसे वो उस टाइगर को उस शिकार की स्थिति बता रहा हो। शिकार की स्थिति पाते ही टाइगर चुपके से शिकार पर हमला बोल देता। शिकार को मारने के बाद टाइगर तसल्ली से अपना भोजन करता, फिर उस शिकार में से जो कुछ बचा कुचा भाग रह जाता वो शियार खा लेता। साथ ही वो टाइगर
उस सियार को कभी भी मारने का प्रयास नहीं करता। एंडरसन और अनंता स्वामी दोनों लोग बनाए गए पुतले के पास ही छुपे हुए थे। रात में लगभग 11 बजे के करीब एक सियार तेज आवाज में बोलने लगा। सियार के बोलने का मतलब यही था कि उसने टाइगर के लिए किसी शिकार को चुन लिया है। वो उसे आवाज़ देकर उस जगह के पास बुला रहा था। एंडरसन को लगा कि सियार ने उस पुतले को नहीं बल्कि उन दोनों की उपस्थिति का पता लगा लिया है और उन दोनों को देखकर आवाज़ लगा रहा है। डर के मारे एंडरसन और अनंता स्वामी पसीने से तरबतर हो गए। अनंता स्वामी तो डर के मारे कांप रहा था। सियार और टाइगर के किस्से उस क्षेत्र में सभी लोगों ने सुने थे। अनंता स्वामी बंगले पर अकेले रहता था। उसने एक कुत्ते को भी पाला था। अनंता स्वामी को बंगले पर ना पाकर वो कुत्ता ढूंढते ढूंढते उस पानी के सोते के पास आ पहुंचा, जहां पर सियार बोल रहा था। वो सियार को देखकर खूब तेज आवाज में भौंकने लगा। कुछ देर बोलने के बाद अब वो सियार भी चुप हो गया था। कुत्ता भी अपने मालिक को वहां ना पाकर वापस बंगले पर लौट गया। अब तक उसके बोलने के कारण सियार की लोकेशन उन लोगों को पता चल रही थी, लेकिन अब एकदम सुनसान माहौल में उन पर हमला किस तरफ से होने वाला है ये समझ पाना दोनों के लिए असंभव था। अनंता स्वामी की तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी। एंडरसन उसको शांत करा रहे थे। कुछ ही समय बाद एंडरसन को किसी जानवर के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जो उस पुतले की तरफ बढ़ रहा था। एंडरसन ने अपने हाथों में राइफल पकड़ी हुई थी और टॉर्च अनंता स्वामी के हाथ में देकर उसे स्पष्ट निर्देश दिया था कि जब वो बोलें तभी टॉर्च को जलाएं। वो जानवर आगे बढ़ते बढ़ते उस पुतले के पास रुक गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण अभी तक एंडरसन पहचान नहीं पाए थे कि वो कौन सा जानवर है। इसी कसमकस में उन्हें टाइगर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी, जैसे टाइगर हमला करते वक्त दहाड़ते हैं। टाइगर उस पुतले पर टूट पड़ा था। एंडरसन ने कोहनी मारकर अनंता स्वामी को निर्देश दिया कि टॉर्च जलाए। अनंता स्वामी इतना ज़्यादा डर गया था कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसने टॉर्च तो जलाया, लेकिन टाइगर की ओर नहीं बल्कि एंडरसन के मुंह की तरफ करके। एंडरसन ने एक हाथ से टॉर्च को छीना और पुतले की तरफ उसका मुंह किया। रोशनी पड़ते ही वो देखते हैं कि टाइगर पुतले पर हमला कर रहा है, लेकिन टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो वहाँ से छलांग मारता हुआ दूर अंधेरे में गायब हो गया। एक हाथ में टॉर्च रखकर दूसरे से गोली चलाना असंभव काम था। इसी काम के लिए उन्होंने अनंता स्वामी को यहाँ अपने साथ रोका हुआ था, लेकिन अनंता स्वामी के वजह से ही आज सारा काम बिगड़ गया। एंडरसन को उसकी बेवकूफ़ी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि डर के कारण इंसान का गलती करना स्वाभाविक है। वो दोनों लोग वापस बंगले पर लौट आए और अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। अगली सुबह उठकर एंडरसन ने उस टाइगर को खोजने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन टाइगर का कुछ अता पता नहीं चला। रात में फिर से उन्होंने उसी जगह पर रुकने का मन बनाया जहाँ पर वो पिछली रात रुके हुए थे। एंडरसन और अनंता स्वामी उसी जगह पर आकर छुप गए। इस बार उन्होंने उस कुत्ते को बंगले में ही बंद कर दिया था। कुछ रात बीत गई, तब एंडरसन को लगने लगा कि शायद उन्होंने यहाँ बैठकर गलती कर दी है, क्योंकि उन्हें लगता था कि टॉर्च जलाने के कारण शायद टाइगर को उनके यहाँ छिपे रहने की बात कल पता चल गई थी। इसी वजह से हो सकता है कि शायद टाइगर आज उस पुतले पर ना लौटे, और ये भी हो सकता था कि ये उन्हीं दोनों लोगों पर हमला करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंडरसन पूरी रात जागे रहे, लेकिन वहाँ टाइगर नहीं आया, ना ही वहाँ पर सियार के बोलने की आवाज़ उन लोगों को सुनाई दी। आधी रात के करीब उनको कुछ दूर से जंगल में एक हिरण के बोलने की आवाज़ सुनाई दी थी। अगली सुबह उस जगह का मुआयना करने के लिए निकल पड़े जहाँ से उन्हें अंदाजा था कि वो हिरण पिछली रात बोल रहा था, लेकिन एंडरसन को वहाँ ना किसी हिरण के पैरों के निशान दिखाई दिए, ना ही किसी टाइगर के। वो काफ़ी निराश हो गए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ अभी तक खाली थे। उन्होंने योजना बनाई कि वो पानी के सोते के पास उस पुतले की जगह को बदल देंगे
और साथ ही अपने लिए भी नई जगह की तलाश करेंगे। योजना के अनुसार शाम होते होते उन्होंने अपने लिए एक दूसरी जगह चुनी और वहाँ पर अपने छुपने लायक एक जगह बना ली। एंडरसन और अनंता स्वामी उस जगह पर आकर छुप गए। धीरे धीरे वो लोग रात होने का इंतजार करने लगे। रात में लगभग 12 बजे के करीब उनको कुछ दूरी से सियार के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उसके कुछ देर बाद उन्हें टाइगर के भी बोलने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। कुछ देर बाद उन दोनों की आवाज़ आना बंद हो गया, जिसके कारण अब एंडरसन को ये पता नहीं चल पा रहा था कि शियार और टाइगर अभी भी उन लोगों की तरफ आ रहे हैं या वो यहाँ से दूर चले गए। इसी तरह समय और बीतता गया। एक समय एंडरसन को ऐसा लगा जैसे कोई छोटा जानवर धीरे धीरे कदमों से चलकर ठीक उनके सामने आकर रुक गए हैं। एंडरसन ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो ये छोटा जानवर शियार ही है। शियार भी उन लोगों की तरफ देख रहा था। उसने दो बार आवाज़ निकाला, फिर वो वहाँ से गायब हो गया। एंडरसन का सिक्स सेंस उनको चेतावनी दे रहा था जैसे कि खतरा उनके आसपास ही। वो अपने दाएं बाएं आंखों पर जोर देकर देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी अनंता स्वामी ने एंडरसन को कोहनी मारी। एंडरसन ने ठीक सामने की तरफ देखा जहाँ पर कुछ देर पहले शियार बैठा हुआ था। उसी जगह पर अब कोई बड़ा जानवर आकर बैठ गया था। एंडरसन ने अनंता स्वामी को टॉर्च जलाने का इशारा किया, लेकिन आज भी अनंता स्वामी का दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। दो तीन बार इशारा करने के बाद भी जब अनंता स्वामी ने टॉर्च नहीं जलाया, तब एंडरसन ने उसके हाथों से टॉर्च को छीन लिया और टॉर्च को टाइगर की तरफ किया। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाया, वो देखते हैं कि उनके सामने वही टाइगर आकर खड़ा हुआ है, जिसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। एंडरसन ने टॉर्च को उसी तरह जलते रहने दिया और उसको ज़मीन पर रखकर अंदाजे से ही राइफल को टाइगर की तरफ किया और गोली चला दी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही बाघ भी अटैकिंग मूड में आ गया और उसने तेज कदमों से दौड़ना शुरू किया। एंडरसन ने चमकती हुई आंखों के बीच में गोली दाग दी। गोली लगते ही वो बाघ अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और दोनों हाथों से अपने चेहरे को छूने लगा, क्योंकि उसके चेहरे के बीचों बीच में ही वो गोली आकर धस गई थी। उसके पिछले पैरों पर खड़ा होते ही एंडरसन को उसकी छाती का भाग दिखाई पड़ा जो पूरा सफ़ेद था। उन्होंने उसकी छाती पर दूसरी गोली दाग दी। टाइगर जो गुस्से में दहाड़ रहा था, अब उसकी आवाज़ पीड़ा में बदल चुकी थी। कुछ देर की गुर्राहट के बाद उसके शरीर में हलचल बंद हो गई। एंडरसन ने बाहर निकलकर टाइगर की लाश को टॉर्च जलाकर देखा। वो टाइगर काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसके पंजे के नाखून भी घिस चुके थे और साथ ही उसके कैनाइन दांत टूट चुके थे। इसी कारण से वो जंगली जानवरों को अपना शिकार नहीं बना पा रहा था, इसलिए उसने इंसान जैसे आसान शिकार को मारना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरह एंडरसन ने उस आदमखोर टाइगर का शिकार किया और कई सारे लोगों की जान बचाई। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस प्रकार की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।